जैसा कि हमने विद्युत से जुड़ी दो बहुत महत्वपूर्ण राशियां विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में विस्तार में जाना, यही दो राशियां भौतिक विज्ञान के विद्युत क्षेत्र की नींव बनती है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों राशियां अलग अलग कार्य करती हैं या दोनों में कोई संबंध होता है। परिभाषा कहती है कि दोनों ही राशियां व्यक्तिगत तौर पर अलग है, लेकिन जर्मनी के जॉर्ज ओम नाम के भौतिक विज्ञानी ने अपने प्रयोग से जाना कि विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध होता है। ओम का कहना है कि यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होता है। यहाँ अनुपात शब्द पर जोर दिया गया है। यदि विद्युत धारा बढ़ता और घटता है तो यह किस अनुपात में होता है? इस अनुपात को ओम ने नाम दिया रेजिस्टेंस एवं प्रतिरोध का। ये प्रतिरोध क्या होता है? आपको याद होगा हमने विभवांतर को पानी के टैंक के उदाहरण से समझा था। यदि इस पाइप की लाइन में एक वॉल्व लगा दी जाए जो वॉल्व नल में जाने वाली पानी की मात्रा को नियंत्रित करती हो, तो यहाँ ये वॉल्व पाइपलाइन में एक प्रतिरोध की तरह काम करती है। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ है किसी भी चीज का विरोध करना। किसी भी चीज के विरोध करने वाले को यह रेजिस्टर या प्रतिरोधक कहा जाता है। यहाँ ये वॉल्व पानी का विरोध कर उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इस वॉल्व को परिपथ में एक प्रतिरोधक से बदल दिया जाए तो हम देखेंगे कि ये प्रतिरोधक परिपथ में विद्युत धारा को बढ़ाएगा या घटाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिरोधक दिखने में कैसा होता है। परिपथ में लगी हर वह चीज जिस कारण विद्युत धारा के मान में बदलाव आए वह प्रतिरोधक हो सकती है। बल्ब, एलईडी या कोई भी अलग किस्म का तार प्रतिरोधक हो सकता है। ओम के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को चालक के प्रतिरोध से गुना कर दिया जाए तो वह परिपथ में आए विभवांतर के मान बराबर ही आएगा। इसकी खोज ओम ने की थी, इसलिए प्रतिरोध की ऐसा यूनिट को ओम का नाम दिया गया और इसे ग्रीक अक्षर ओम से दर्शाया जाता है। एक ओम एक वोल्ट और एक एम्पियर के अनुपात के बराबर होता है। आइए ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 4 डेढ़ वोल्ट की बैटरीज, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक आधा मीटर लंबा नाइक्रोम का तार जो यह रेजिस्टर की तरह काम करेगा और सर्किट को जोड़ने के लिए एक स्विच और कॉपर के तार की आवश्यकता होगी। नाइक्रोम निकल क्रोमियम आयरन और मैंगनीज का अलॉय होता है। परिपथ को इस तरह जोड़ा जाए, हम जानते हैं कि एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में लगाया जाता है। परिपथ पूरा होने के बाद स्विच को ऑन करें और विद्युत धारा और विभवांतर की रीडिंग एक टेबल में लिख लें। यह एक चीज ध्यान देने वाली है कि परिपथ में लगे तारों में भी थोड़ा प्रतिरोध होता है और साथ ही समय के साथ बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का विभवांतर भी कम होता रहता है। लेकिन यहाँ ओम के नियम को समझने के लिए वोल्टमीटर और बैटरी के विभवांतर को बराबर लिया गया है। यही प्रक्रिया 4 बार करें और परिपथ में हर बार एक बैटरी बढ़ा दें। यदि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात लिया जाए तो वह हमेशा एक ही मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ओम ने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो नियम दिया वह सही था। अगर नाइक्रोम तार की जगह कोई दूसरा प्रतिरोधक लिया जाए जैसे कि कोई एलईडी लाइट, तो क्या तब यह अनुपात वही आएगा जो नाइक्रोम तार के केस में आया था? चलिए करके देखते हैं। यह एलईडी लाइट के कारण विद्युत धारा के मान में बदलाव आया है। तो इन दोनों एक्टिविटी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हर एक प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध का मान बदल जाता है। तो ये कहना उचित होगा कि प्रतिरोध स्थिर राशि है जब तक कि प्रतिरोधक को बदला ना जाए। प्रतिरोधक की सामग्री एवं भौतिक दिखावट के साथ साथ प्रतिरोध और भी कई चीजों पर निर्भर करता है, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।